वीडियो भी मैं सिर्फ फ्री फायर की बनाता था और मेरी ऑडियंस तो सिर्फ फ्री फायर देखती थी। अब मैं क्या करूँगा भाई, मेरा तो सब करियर वरियर खत्म हो गया यार। अब चैनल का क्या होगा यार भाई, अब तो मैं रोड पे आ जाऊँगा यार कसम से यार। अब वीडियो भी बनाने के लिए कुछ है नहीं, फ्री फायर ही नहीं रही यार, तो अब मैं वीडियो किस चीज़ का बनाऊँगा यार। अब अभी जस्ट मैंने देखा है, हर जगह से पता चल रहा है कि ऑफिशियली फ्री फायर बैन हो गया। हाँ बोल, किधर जा रहे है? सुन रहे हो, तो जा रहा है तू? किसने बोला तेरे को? अंकल बोल रहे थे। हाँ फिर बैठोगे तो क्या करो यार, अपना काम धंधा करना पड़ेगा ना। तो पापा बोला यार तुम फ्री फायर में, तब तू क्या करेगा घर में बैठ के? तो मैं भी थोड़ा सा सुना हूँ, थोड़ा सा फ्री फायर देखो तो क्या हो, थोड़ा सा देश घूम के आता हूँ इधर उधर जाके। सर जो ये मिला है यार सब कुछ बोले, फ्री फायर गायब होने वाला है। अच्छा मैं उन बंदों का सोच रहा हूँ जिन बंदों ने डिलीट मारा हुआ, हाँ जी वो क्या खेल रहे होंगे। चलो एंड्रॉइड वाले तो ले सकते हैं फाइल शेयरिंग करके, बट जिन आईफोन वालों ने डिलीट मारा होगा अभी रिसेंट में, वो क्या करेंगे? तो मेरे को इसका सो है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अब यार ये बात तो मुझे भी पता है कि यार आप लोग बहुत ही ज़्यादा सैड होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गाइस यार फ्री फायर बैन हो चुका है इंडिया में, एंड ये बहुत ही सैड न्यूज़ है फ्री फायर प्लेयर्स के लिए। एंड वहीं पे अपने इंडियन सर्वर के कुछ यूट्यूबर्स बड़े बड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, एंड उनका जो रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा सैड था। यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स के जो सैड रिएक्शन है एंड यार उन्होंने क्या कहा, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञान भाई की बात कर लेते हैं। ज्ञान भाई ने सुबह वीडियो कुछ अपलोड किया था कि वो अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, एंड यार यहाँ पे उनका ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा सैड था कि वो अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो। ज्ञान हाँ बोल, किधर जा रहे है? सुन रहे हो तो जा रहा है तू? किसने बोला तेरे को? अंकल बोल रहे थे। हाँ फिर बैठोगे तो क्या करो यार, अपना काम धंधा करना पड़ेगा ना। तो पापा बोला यार तुम फ्री फायर में, तब तू क्या करेगा घर में बैठ के? तो मैं भी थोड़ा सा सुना हूँ, थोड़ा सा फ्री फायर देखो तो क्या हो, थोड़ा सा देश घूम के आता हूँ इधर उधर जाके। सर जो ये मिला है यार सब कुछ, बोले बटन बटन सिल्वर बिल्ला बटन सब कुछ लेके घूमगा, जहाँ पे नौकरी मिल जाए जहाँ पे बैठ जाऊंगा यार। एंड वहीं पे सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं देसी गेमर की। अब जिनको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनका नाम अमित भाई है। अब उनका भी बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ था कि यार फ्री फायर बैन हो चुका है, एंड यार उन्होंने कहा कि यार फायर खेल के क्या होगा, कुछ नहीं होगा। गाइस व्हाई सैड ब्रो, हंसो चैट पे, मस्ती मनाओ, दूसरे गेम्स खेलेंगे, दूसरे गेम में व्यूज आएंगे, होने दो भाई, फर्क नहीं पड़ता। गाइस देखो बैन वैन नहीं होगा, ठीक है, डोंट वरी, चिल मारो, कुछ ना कुछ होगा, सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। Why game is not opening? Free Fire ban confirm. और भाई को सदमा लगा क्या? Bro, I मेरे को कोई सदमा नहीं लगा guys. मेरे को सच बोलूं तो होने हैं। मैं तो बोलता हूँ 100 दिन के लिए हो भी जाए तो दो तीन। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, उन्होंने यही बात कहा है कि Free Fire ban भी होता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है guys, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। एंड जो हमारे तीसरे नंबर पे आते हैं AS Gaming। अब यार AS Gaming भाई का भी आप लोग वीडियो देख सकते हो, एंड यार इन्होंने भी जैसा कि आप लोगों को देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा सैड है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि AS भाई को पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि फ्री फायर बैन हो चुका है, देन लेकिन जब उनको पता चला तो उनका कुछ बहुत ही ज़्यादा सैड रिएक्शन था। एंड यार उन्होंने जैसा कि आप सब देख सकते हो कि वो कुछ जाके सो गए, इतने ज़्यादा टेंशन में थे। यहाँ पर AS भाई ने रिएक्शन के साथ साथ कुछ मैसेज भी दिया है बंदों को कि आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि, एंड बहुत सारे बंदे भी बोल रहे थे कि भाई अगर फ्री फायर बंद हो गया तो मैं मर जाऊँगा या फिर सुसाइड कर लूँगा। यहाँ पे AS भाई उनको समझाते हुए कुछ ये कहा है, आप लोग जैसा कि देख सकते हो। तो मेरी वीडियोस भी देखते हो तो आप लोग एक मैसेज दे रहा था, बहुत सारे बच्चे जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे इतने मेंशन आए आज मेरे को, इतने ज़्यादा आज तक इतने नहीं आए कभी भी, आज बहुत ज़्यादा आए। उसमें बच्चे रो रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैं मर जाऊंगा, फ्री फायर नहीं मिली तो ये वो, फ्री फायर नहीं खेल पाऊंगा। पर अभी गाइस मेरे घर के बाहर भी आज इतने सारे बच्चे आए हुए थे कि फ्री फायर बैन हो गई, रो रहे हैं, अब कैसे खेलूंगा मैं, सच में बैन हो गई क्या, मेरे से पूछ रहे इतने सारे बच्चे और कमेंट भी कर रहे हैं, स्टोरी मेंशन कर रहे हैं। देखो भाई एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, गरीना फ्री फायर गेम रही या फिर नहीं रही उससे आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए यार, बहुत सारी अलग अलग गेम्स है, अगर चली भी जाती है बैन हो भी जाती है, अभी तो फिलहाल फोन के अंदर चल रही है, अगर चलना बंद भी हो जाती है पूरी तरह से बैन हो जाती है
तो आप लोग को रोने की ये बहुत सारे आप लोग में से कुछ बच्चे हो सकते हैं ऐसा जो कुछ गलत कदम उठाए जब पूरी गेम ना खेल पाओ, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बहुत सारे अलग अलग गेम्स हैं उनको ट्राई करो, उनको खेलो, अगर बैन हो भी जाती है और अगर हो जाती है तो आई थिंक शायद कुछ मैं पक्का नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई वापस आ जाएगी, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता भाई, शायद आ सकती हो और इतनी जल्दी तो नहीं आएगी, काफ़ी टाइम लगेगा उसमें भी अगर वापस आती भी है। तो यार बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है एंड यार मुझे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो यार गाइस आप लोगों को भी ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे यार आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, एंड यार आप लोगों को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बट टेंशन लेने वाली बात तो है ही है, बट आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। एंड जैसा कि यश भाई ने बताया कि यार फ्री फायर अगर बैन भी होता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर सोल्यूशन निकलेगा, एंड यार अमित भाई ने भी जैसा कि यही बात कहा, एंड उसके आगे अगर कोई भी और लीक्स आती है तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए यार आप लोग सैड मत होना एंड यार आप लोग ज़रूर यार फ्री फायर खेलते रहो तब तक और इन्जॉय करते रहो यार।